नहीं आने का, अभी एक कोड और लगेगा ना, खत्म। और क्या करा तुमने पेंट का? ये पी गए तो है 12 फीट। बाप रे, तो ऐसी जगह थोड़ा मोटर लगा दो जहाँ पानी रुकने का लगता हो कि यहाँ पानी रुके। तो एक बात तो बताए, इसे भैया 2 बाल्टी लगता है, इसका मतलब 30 लीटर। और ये बाल्टी क्या लीटर की थी? 20 की। अरे ये तो पीने जाना कई साल तक भी, कई साल तक भी बोल बोल ना, देखो काई जमे के ये वाला खराब है, वाला ये वाला खराब हो गया। कितना काम था भैया, ये 15 दिन हमारे ऐसे निकल गए, हमें तो पता ही ना चला हम आए छुट्टी में घर। ऐसा लग रहा है हमें तो जैसे हम अब हम छुट्टी पे जाएंगे यहाँ से। लग काम करा के हम अब जाएंगे छुट्टी में, अब जाएंगे बच्चों की छुट्टी होगी घर अपने। क्या सोच के आए तेरे, क्या से क्या हो गया, अब भी काम खत्म होने का नाम ना ले रहा। तो गाइज आज जो है हमारी छत का काम भी कंप्लीट हो गया, क्योंकि छत पे पेंट लगवाना जरूरी था, जैसे कि बारिश आने वाली है तो हल्की हल्की जो दरारें थी वो भी भर जाएंगी। और जो है मकान में पेंट हुआ है तो सीलन भी नहीं आएगी, क्योंकि जब से मकान बना था तब से हमने छत कराई नहीं थी पेंट, तो वो भी आज कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि धीरे धीरे सारा काम जो है वो कम्प्लीट होने ही वाला है, थोड़ा बहुत बचा है तो वो भी हम लोग करा देंगे एक आध दिन में। क्या कर रहा बता? लेट रहा था। कहाँ पे लेट रहा था? मैं तो यहाँ पे लेट रहा। यहाँ पे, यहाँ पे लेट रहा। कहाँ जा रहे हम, कहाँ पे जा रहे हैं बताओ, दवाई लेने हैं? चलो अच्छा मैं गोदी तो आ गोदिया। तो गाइस मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल काना को लेके, क्योंकि काना की तबीयत अभी पहले से थोड़ी ठीक है, पर उसको दिखाना एक बार जरूरी है। गंदे हैं बेटा, चल चलो 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 आराम से। बंद कर। ये बेटा रेड कलर है, ये रेड है ठीक है, ये कौन सा कलर है? ये बेटा ग्रीन है, तुम देखो मैं आई। तो गाइस काना को मैं दवाई दिलवा के आ गई हूँ, और डॉक्टर ने कहा है कि इसको खाने का इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि पेट की जो है इसको दिक्कत है। तो अभी मैं जा रही हूँ पपीता तोड़ने के, मेरे घर में जो है पेड़ है पपीते का, तो उसमें एक पपीता पका है वही मैं तोड़ के लाऊंगी और काना को खिलाऊंगी, अगर खाएगा तो। मैं भी दिखाती हूँ, इस स्टूल पे चढ़ के तोड़ूंगी, क्योंकि पपीता जो है वो धूप की वजह से पीला हो गया। देखो पपीते का कलर, पपीते के पत्ते जो है वो भी पीले पड़ गए। इंसान तो इंसान, पेड़ पौधे भी नहीं बचे इस धूप से भाई, इतनी गर्मी है। और मैं चढ़ूंगी इस पे, क्योंकि जो ये पेड़ है वो हमारे खेत में है पीछे, और पता नहीं पपीता ये धूप से पका है या वैसे ही पका है, जैसे भी है मैं इसको तोड़ लूंगी। कच्चा लग रहा है, पका हुआ नहीं है। तो गाइस जो सामने है वो सारे हमारे ही खेत हैं, इधर ये पेड़ भी हमारे ही खेत में है, और उधर आम के पेड़ हैं 2-3।
तो पपीता मैंने तोड़ लिया है, पर ये पका हुआ नहीं है, ये जो है धूप की वजह से पीला हो गया, बिल्कुल भी पका हुआ नहीं है। तो गाइस जो पपीता मैं तोड़ के लाई थी वो देखने में तो पका हुआ लग रहा है, पर बिल्कुल भाई कच्चा है, मतलब खाने लायक नहीं है, ये धूप की वजह से पीला हो गया। इसको तो काना नहीं खाएगा, मैं काना को कुछ और खिलाऊंगी। तो गाइस काना को कुछ खिलाने के बाद फिर मैं अपनी किचन का करूंगी काम। किचन में मेरी जो कलर हुआ है वो ये वाला कलर हुआ है। मैं इसमें क्या क्या करने वाली हूँ वो तो आपको आगे देखने के लिए मिल ही जाएगा, तो बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो में एंड तक। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपनी जो है सारी किचन कर ली थी खाली, क्योंकि पेंट हुआ था, वैसे भी मेरी किचन खाली थी। तो यहाँ पे मेरा जो है अब मैं इसको करने वाली हूँ मेकओवर। और गाइस मेरा गला जो है थोड़ा बैठ गया है, तो यहाँ पे मैंने इस तरह से मंगाए थे रोल जो कि वॉल पेपर है, मैंने ये मीशो से मंगाए हैं, बहुत अच्छे थे, मतलब देखने में भी बहुत अच्छे लग रहे थे और क्वालिटी भी मुझे बहुत अच्छी लगती, लगाने के बाद पता चलेगा कैसे थे। तो ये पूरा जो है रोल है और मैं इसको कट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी किचन की जो लंबाई है वो मतलब पूरा रोल इसमें लग जाएगा, बाकी कम पड़ेगा और तो दूसरा लगाऊंगी। फिलहाल मैं पूरा रोल इसी तरह लगाने वाली हूँ, साइड से मैं स्टार्ट करूँगी और मैं भी आपको दिखाती हूँ लगा कि कैसा ये लगेगा लगाने के बाद। कुछ इस तरह से मैं स्टार्ट करूँगी और इसको मैं यहाँ से खोलूँगी क्योंकि ये जो है चिपकने वाला है, तो ये इस तरह से खुल जाएगा और इस पर चिपका जो है वो काफ़ी अच्छी है। तो लिया है पर इसको लगाना इतना आसान नहीं लग रहा है क्योंकि मैं अभी पहली बार इसको मैं लगा रही हूँ, तो धीरे धीरे इस तरह से मैं इसको निकालूंगी, थोड़ा सा निकालूंगी, दीवार पर चिपकाऊंगी, फिर प्रेस करूंगी कपड़े से, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद मैं इसको अच्छे से ना चिपका पाऊं, पर पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इसको चिपका लूं, क्योंकि मिलित मना कर रहे थे कि इतना रिस्क मत लो, पर मेरा मन था कि मैं लगाऊं, मेरा मन था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको ट्राई करके देखती हूँ कैसा लगता है। अच्छा है, अच्छा लगेगा तो ठीक है, खराब होगा तो भी देखा जाएगा, क्योंकि देखने में जितना आसान है ना उतना लग नहीं रहा उसको, तो उतना आसान होगा, फिर भी कोशिश करके देखते हैं। लगाने के लिए कम से कम दो साथ में हो तो अच्छा है, पर कोई है नहीं। ये मैंने इस तरह से थोड़ा सा निकाल लिया है, अब देखो मैं कोशिश कर रही हूँ कि ये चिपक जाए अच्छे से। लगेगा तो जय माता दी, लग गया है किसी तरह अच्छे से लगे, क्योंकि लग रहा है कि इसमें सलवट। तो गाइस यहाँ पे मैं लगी हूँ लगाने के लिए और गाइस रोल जो है बड़ा है तो बार बार नीचे गिर रहा था, हाथ से फिसल रहा था, मतलब मैं जितना चिपका रही थी कोना उतना बार बार नीचे गिर गिर जा रहा था। और दूसरा क्या है, इसका जो है वो धीरे धीरे जो ऊपर का मैंने कोना चिपका दिया पर नीचे का जो था वो जो थी मतलब चिपकन वाला साइड जितना था उतना तो चिपक जा रहा था, पर नीचे का जो कागज था वो नहीं छूट रहा था अकेले से, मतलब आगे पकड़ती तो पीछे से रोल मुड़ के आगे आ जाता, बार बार बहुत दिक्कत हो रही थी, नहीं लगा पा रही थी, बहुत कोशिश कर रही थी, कोई ना कोई चाहिएगा। जितना मैं सोच रही हूँ ना उतनी आसानी से नहीं लग रहा है, यानी कि मतलब एक दो और होना चाहिए इसको पकड़ने के लिए, तो ही ये लगेगा। मेरे पास इस टाइम पकड़े बेटा, मैं ऐसे पकड़ लूंगा, तो गाइस मैंने सामने से ही घर में से ही बच्ची को बुला लिया था, उसको मैंने रोल पकड़वाया और मैं लग गई हूँ फिर से चिपकाने के लिए। तो गाइस जैसे जैसे धीरे धीरे मैं चिपकाती जा रही थी, मैंने जैसे कागज छुटाया तो जो नीचे वाला साइड था वो आपस में ही कागज छूटने के बाद जो है वो चिपकन ही आपस में चिपक गई, मतलब मैं उसको खींच रही हूँ तो जब आपस में एक जगह चिपक गया तो वो खुल ही नहीं रहा, काफ़ी कोशिश करने के बाद भी नहीं खुल रहा, यानी कि जब मैं यहाँ पे हो गई हूँ फेल। अब मैं कुछ और जुगाड़ देखती हूँ क्योंकि ये तो बिल्कुल भी मेरे से लग नहीं रहा, मुझे उसको हटाना पड़ेगा, सारा हटा दिया मैंने। तो गाइस पसीना निकल गया पर वॉल पेपर नहीं चिपक रहा, कोशिश कर रही हूँ कि चिपक जाए पर बिल्कुल भी नहीं, और देखो दीवार अगर नहीं चिपका तो सब खराब हो जाएगा, पेंट भी इसने निकाल दिया है, मतलब बहुत कोशिश करेंगे चिपक जाए। तो गाइज अब यहाँ पे मैं और भाभी यानी कि मेरी जिठानी और के बच्चे मिलके लगा रहे हैं, तो ये इस तरह से कुछ लगेगा क्योंकि इसमें जरूर कोई ना कोई चाहिए, पीछे से प्रेस करना और आगे से इसको निकालना है कागज को। तो गाइज फाइनली मेरा वॉल पेपर जो है वो चिपक गया है, मतलब सब लोगों ने मिलके चिपकाया,
बहुत मुश्किल से, मतलब बहुत दिक्कत होती है चिपकाने में। जो एक्सपर्ट है वही अच्छे से चिपका सकता है। जैसे ये वाला मेरा बिल्कुल क्लीन चिपका है, और देखते देखते यहाँ पे इसमें आ गए हैं हल्की हल्की सलबटे आ गई हैं। पर फाइनली फाइनली मेरा जो है किचन का, मेरी किचन की लग गई है टाइल्स, बिल्कुल टाइल्स जैसा लुक वाला एकदम। तो अभी मैं इसको क्या करूंगी, थोड़ा कपड़ा लेकर प्रेस करूंगी जिससे जो थोड़ी बहुत सलबटे हैं वो शायद निकल जाए। तो गाइस वॉल पेपर लगाने के बाद अब मैं अपना जो मेरा स्लैब है उसके ऊपर मैं बिछाऊंगी कारपेट। तो ये बहुत मोटा कारपेट है, ये भी चिपकाने वाला है, पर मैं इसको बिल्कुल भी नहीं चिपकाऊंगी क्योंकि क्या होता है जब खाना बनाती हूँ तो गंदा हो जाता है। तो मैं इसको हफ्ते में या दो हफ्ते में निकाल के वॉश करके साफ करके फिर लगा लेती हूँ, तो इसलिए इसको चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। तो गाइज ये मेरी थी घर वाली किचन, जो गाँव की किचन है, और मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जो है गाँव में मेरा किचन में निकलता है, तो इसलिए इसको अच्छे से रखना मेरा फ़र्ज बनता है। तो यहाँ पर मेरी किचन होगी तैयार। तो गाइज ये था मेरा गांव वाला घर यानी गांव वाली किचन जो मैंने अपने खुद से तैयार की है। आई होप आपको पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और आपको मेरी किचन अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो गाइज इसी तरह की और वीडियो लेके मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए स्टे सेफ स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय माता दी।